मतलब जो भी हमको मटेरियल्स मिलते हैं, मटेरियल सोर्स, प्रिंट सोर्स, यानी जो हमें रिटन केस में मिलता है, जैसे आपका ये हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक, दैट इज रिटन सोर्स, कि हमको पढ़ के ही समझ में आता है, ठीक है, जैसे हम पढ़ते तो हमें पता चलता है कि हिस्ट्री में ये सब हुआ था, तो दैट इज रिटन सोर्स. ओरल सोर्स जो हम बोलने के बाद बोलते हैं, तो आगे इसकी डिटेल्स बताऊंगी मैं आपको, आगे है चैप्टर में. उसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वगैरह आने की वजह से जो मॉडर्न हिस्ट्री की हिस्ट्री है उसमें तीन सोर्सेस और ऐड हो चुके हैं, दैट इज ऑडियो, वीडियो एंड ऑडियो विजुअल आर इंक्लूडेड. ठीक है, तो मटेरियल सोर्सेस पढ़ेंगे. मटेरियल सोर्सेस, दिस ऑब्जेक्ट, मोमेंट्स, प्लेस, प्लेसेस, कॉइंस, स्क्रिप्चर्स, ये सारी चीजें जो होते हैं हमको मिलती हैं, ठीक है, जब हम हिस्ट्री के बारे में या पास्ट में जो हुआ है उसके बारे में जब हम खोजबीन करने जाते हैं, तो हमको ये सारी जो भी चीजें वहां से मिलती हैं, जैसे उनके बर्तन हो गए, उनकी पेंटिंग्स हो गई, उस टाइम के यूज किए हुए कॉइन्स मिल गए, तो ये सब क्या हो गया, मटेरियल हो गया. तो ये कौन से सोर्सेस में आएंगे, मटेरियल सोर्सेस में, ठीक है. वो मटेरियल मिलने की वजह से हमको बहुत कुछ उसके बारे में पता चलता है, ठीक है. तो मटेरियल मिला, कुछ पुराने जमाने का कॉइन्स मिला, तो दैट इज मटेरियल, कॉइन इज मटेरियल सोर्स. लेकिन उसके बारे में जानकारी सब लेने के बाद एक बुक प्रिंट गई, प्रिंट की गई कि हाँ शिवाजी के टाइम का ये कॉइन था, इस मटेरियल का बना हुआ था, उसपे ये लिखा हुआ था, एक रुपए का कॉइन ऐसा दिखता था, दो रुपए का कॉइन ऐसा दिखता था. तो जब वो चीजों के डिटेल्स लिखे जाते हैं, दैट इज रिटन सोर्स, ठीक है. और रिटन सोर्स और जो लोगों के जरिए हमको पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, दैट इज ओरल सोर्स, ठीक है. बिल्डिंग एंड प्लेसेस, पहले के हिस्ट्री की बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस के बारे में है. द पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज बिलीव्ड एज पीरियड ऑफ यूरोपियन स्पेशली ब्रिटिश रूलर्स एंड गवर्नेंस ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इन द पीरियड ऑफ वेरियस बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन्स ऐसे ट्रावर बिल्ड. दीज बिल्डिंग्स इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिसेस, रेसिडेंस ऑफिसर्स, लीडर्स एंड रिवॉल्यूशनरीज, places, rules and principal states, forts, prison, among the mountains, many buildings are intact even today. Some are declared as national monuments, where some are converted into the museum. For example, cellular jail in Andaman. ठीक है, ये buildings and places, ठीक है, तो जो ये हैं, ये पहले के, जैसे हिस्ट्री पढ़ने से हमें पता चलता है कि पहले हमारे यहाँ ब्रिटिश का राज था, पोर्चुगीज का था, मतलब बहुत लोग हमारे इंडिया में आए, उन्होंने बहुत कुछ चीजें बनाई, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई. इवन आप मुंबई में भी आज भी जाओ तो वो इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सब किसकी बनाई हुई है, ये सब ब्रिटिशर्स की बनाई हुई है. तो दैट इज व्हाट बिल्डिंग एंड प्लेसेस, ये सारी चीजें, जेल, उस टाइम के जेल, जैसे सेलुलर जेल जो अंडमान का है, वो एक टाइम पे बहुत, मतलब वहाँ पे जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको वहाँ पे कैद करके रखा जाता था, उनको बहुत बुरी तरह पनिश करते थे. तो वो जो जेल था किसका बनाया हुआ था, ब्रिटिशर्स का. लेकिन आज उस जेल में अभी कोई नहीं है, तो सिर्फ उसको एज अ लोग जाते हैं तो उनको दिखाने के लिए वो जेल वहां पे है, कि आप जाके देख सकते हो. कुछ बिल्डिंग्स को उन्होंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, म्यूजियम में, ताकि लोग आए और देखें और उनको हिस्ट्री के बारे में पता चले. व्हाइल विजिटिंग दिस साइट्स वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट कंटेम्पररी हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, नेचर ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल्सो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी जो भी आप बिल्डिंग्स है हिस्ट्री की, अभी की बनी हुई नहीं, पहले की, जैसे ताजमहल ले लो, ताजमहल भी क्या है, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल प्लेस है, और वो भी बनी हुई बिल्डिंग जो है तो वो पहले की बनी हुई है, आपकी टेक्नोलॉजी से बनी हुई नहीं है. तो जब आप ताजमहल देखने जाओगे तो आपको पता चलता है कि हाँ ये कब की बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें कैसी चीजें यूज की गई, तब की टेक्नोलॉजी क्या थी, तब के बिल्डर्स तो ऐसे नहीं थे आपके जैसे हैं, तो ये कैसे कैसे हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है. क्या आइडिया लगवा के, शिवाजी है, जैसे शिवाजी के किले आप देखने जाओ तो आपको समझ में आता ही होगा ना कि इतने बड़े बड़े पत्थर के किले कैसे बनाए, क्या आइडिया लगा के बनाए. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें वो पर्टिकुलर हिस्टोरिकल चीज देख के मिलती है, ठीक है. और उनका इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें ऐसी हैं जिनका इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब उनको अच्छे से मेंटेन नहीं रखा गया है, ठीक है. कुछ कुछ ऐसी हैं जिनको काफी अच्छे से मेंटेन किया गया है, किसी चीजों को यूज भी किया जाता है, आज भी यूज किया जाता है, लेकिन वो बनाई हुई पहले के जमाने की होती है.
Just during the visit of Cellular Jail in Andaman, we get information about the revolutionary work that of V.D. सावरकर. ओके, सावरकर के बारे में तो हम सबने सुना था. जब आज भी अगर आप अंडमान घूमने जाते हो तो अगर आप सेलुलर जेल देखते हो तो वहाँ पे जो वीर सावरकर थे उन्होंने जो भी चीजें लिखी थी वो आज भी उस पर लिखी हुई है. उनका पूरा नेम प्लेट है कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे तो कौन किसको किसको सेलुलर जेल में बंद किया गया था. ठीक है, और क्या क्या है विजिटर्स है, मणि भवन और इन मुंबई, सेवाग्राम आश्रम एट वर्धा. ये सारी चीजें हिस्टोरिकल है, जहाँ जाने के बाद पे वहां की चीजों से आपको पता चलेगा कि ये चीज यहाँ पे हुई थी. ठीक है, डू यू नो वाला हम देखेंगे म्यूजियम एंड हिस्ट्री. फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वेरियस ऑब्जेक्ट पेंटिंग्स फोटोग्राफ्स सच एज अदर थिंग्स आर प्रिजर्व्ड इन द म्यूजियम. तो म्यूजियम क्यों यूजफुल है, म्यूजियम इसलिए यूजफुल है कि जो भी चीजें हिस्ट्री से रिलेटेड मिली हैं तो उनको सही साफ सही तरीके से सुरक्षा करके रखने की जगह कौन सी है, म्यूजियम. आप लोग सब लोग आई नो कि एक म्यूजियम में तो गई होगे तो आप देखते हो कि कितना वहाँ पे ये रहता है. हम दूर से सिर्फ देख पाते हैं चीजों को, हमें टच करने को नहीं मिलता है, हमें फोटो निकालने को नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि वो सारी हिस्ट्री वाली चीजें हैं, उनको वहीं पे अच्छे से रख सकते हैं. ऐसे करके रख देंगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी. ठीक है, एट द आगा खान प्लेस इन पुणे. ठीक है, तो आगा खान पैलेस है. आगा खान पैलेस कहाँ पे है, पुणे में. वी कैन सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्स गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द महात्मा गांधी. तो अगर आप आगा खान पैलेस में जाओगे पुणे में तो आपको बहुत सारी चीजें रखी हुई दिखेंगी या आपको दिखाई जाएंगी जो किससे रिलेटेड होगी, महात्मा गांधी के लाइफ से रिलेटेड, कि वो कैसे यूज करते थे, क्या कैसा लिखते थे, उनके पेन होंगे, उनके बुक्स होंगी, उनकी चीजें होंगी, उनके कपड़े होंगे. ठीक है, तो ये सारी चीजों से हमें उसका पता चलता है और ये सारी चीजें प्रिजर्व करके कहाँ रखी जाती हैं, म्यूजियम में. ठीक है, तो आप कभी पुणे गए तो आप आगा खान पैलेस जाके देखो. स्टैचूस एंड मेमोरियल्स ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस ऑफ द एंड द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड मेमोरियल्स ऑफ मेनी पर्सनैलिटीज वर इरेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैचूस. These statues are also important for the study of modern Indian history. The various statues provide information about the contemporary rulers and eminent personalities. The display plaque on the statues gives us information about full name of the concerned person, birth and death details, brief information about their contribution and biographical sketch of the person. Just as the statue of Mahatma Jyotirao Phule, Lokmanya Tilak, Baba Saheb Ambedkar, and at the memorial which are erected in the memory of history events which gives information. ठीक है, तो statues and memorials की तो जो भी प्री मतलब इंडिपेंडेंस के पहले और इंडिपेंडेंस के बाद भी जो भी फेमस पर्सनालिटीज, जैसे तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे या पहले के लोग जो थे, तो जो भी फेमस पर्सनालिटीज थी उन दिनों की, तो उनके क्या बनाए गए, स्टैचूज बनाए गए ताकि लोगों को इनके बारे में इंफॉर्मेशन पता चले. और वो स्टैचू में हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, वो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का बर्थ पता चलता है, डेथ पता चलता है, उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन देश के लिए दिया है, कैसा कैसा जंग लड़ा उन्होंने, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारा हमको उनके स्टैचू के पास मिलती है. फॉर एग्जाम्पल किसके किसके स्टैचूज है, महात्मा ज्योतिराव फुले का है, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये कुछ फेमस पर्सनैलिटीज है जिनके स्टैचूज बनाए हुए हैं और उनके उनकी स्टैचूज देख के आप उनके से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट मैं शेयर कर रही हूँ. ओके, तो आपको मटेरियल और रिटन भी पता चला. ठीक है, हम रिटन पढ़ेंगे अबाउट द इवेंट पीरियड रिलेटेड टू इवेंट. फॉर एग्जाम्पल हुतात्मा स्मारक एट वेरियस प्लेसेस. ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें, ये स्टैचू क्यों बनवाई गई, किसने बनवाई, क्या याद में बनवाया गया, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती है. देन मटेरियल सोर्स हो गया, मटेरियल सोर्स में प्लेसेस और बिल्डिंग्स, स्टैचूज, म्यूजियम, ठीक है, ये सब कुछ आ गया. उसके बाद आ गया रिटन सोर्स. द
The following aspects are included in the written source of modern Indian history. कौन कौन सी चीजें written source में देखेंगे? तो क्या क्या है? Correspondence, foreign accounts, newspaper, biographies, periodicals, factory records, autographies and books. तो ये सारी चीजें क्या हैं? Written, जो लिखी गई हैं, जिसके जरिए हमें history के बारे में पता चलता है. तो वो टाइम के फॉरेन के अकाउंट्स डिटेल्स कैसे थे, वो कैसे मेंटेन करते थे, उनका न्यूज़पेपर, उनके बायोग्राफीज जो भी हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो ये सारे क्या हैं? रिटन सोर्स. अगर आपको पूछा गया कि रिटन सोर्स के चार पांच एग्जांपल्स लिखो, तो एटलीस्ट आप लोग बुक, न्यूज़पेपर, बायोग्राफीज ये सब तो लिख ही सकते हो. तो दो चार एग्जाम्पल आप इसमें से लर्न हमेशा याद रखना. तो न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. न्यूज़पेपर प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट कंटेम्पररी इवेंट्स अलोंग विद इट डिटेल्स एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट व्यूज एंटाइटमेंट पीपल एडिटर्स आर आल्सो पब्लिश्ड. वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल हैपनिंग्स ऑफ दैट पीरियड. ठीक है, तो न्यूज़पेपर और पीरियडिकल्स जो हैं, जैसे न्यूज़पेपर और जो उस पीरियड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, हमको ये दो चीज में मिलती है कि वो टाइम पे क्या कैसे इवेंट्स होते थे, वो कैसे ऑर्गेनाइज करते थे, कैसे लोग आते थे, सारी डिटेल्स आपको इस रिटन सोर्स में मिलेगी. कल्चरल रिलेटेड, कल्चरल पॉलिटिकल, तब का पॉलिटिकल कैसा ये था, सोशल लाइफ कैसी थी लोगों की, इकोनॉमिक लाइफ, कल्चर क्या, कौन सा कल्चर वो लोग फॉलो करते थे, ये सारा कुछ आपको रिटन सोर्स दैट इज न्यूज़पेपर और पीरियडिकल्स में मिलेगा. इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड न्यूज़पेपर लाइक दन्योदय, दन्य प्रकाश, अमृत बाजार, पत्रिका, दिबांधु, केसरी एक्टेड एज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अवेकिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल. ठीक है, तो ये कुछ नाम है जो वो टाइम के फेमस न्यूज़पेपर थे. अभी आज के टाइम क्या, तो न्यूज़पेपर आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में सामना हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, मुंबई मिरर हो गया, तो ये आपके टाइम के हैं. तो पहले के टाइम के कुछ न्यूज़पेपर थे जो काफी फेमस थे, तो उनके नाम क्या थे? धन्योदय, धन्य प्रकाश, अमृत बाजार, पत्रिका, केसरी, ये सारी चीज, ये सारे न्यूज़पेपर ऐसे थे कि जो लोगों को हमेशा मतलब ये रखते थे, अवेक रखते थे, अलर्ट रखते थे कि क्या हाल हो रहा है, कैसा चल रहा है, क्या देश में हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में. तो ये फेमस न्यूज़पेपर के नाम हमेशा याद रखना. थ्रू द न्यूज़पेपर वी कैन स्टडी द ब्रिटिश पॉलिटिक्स policies regarding India and their effect on India. During the British period, newspapers were not only the source of political events and also acted as a source of social reinformation. ठीक है, तो ये newspaper जब आप पहले के जमाने के आपको मिलेंगे, ये जो नाम है उसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश के टाइम का उनकी पॉलिसीज क्या थी, वो क्या उनका पॉलिटिकल कल्चर कैसा था, वो कैसे पॉलिटिक्स करते थे, वो क्या कैसे चीजों को रिएक्ट करते थे, वो टाइम पे कैसे झगड़े फसाद होते थे, किसको सजा कैसी दी जाती थी, तो ये सारा कुछ आपको ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में मिलेगा. ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर को एक तरह से सोशल रीइन्फॉर्मेशन भी समझा जाता था कि वो सारा इन्फॉर्मेशन उनको वो न्यूज से मिलता था. द निबंध माला बाय विष्णु शास्त्री चिपलूनकर. ठीक है, तो जो निबंध माला है, निबंध माला किसने लिखी थी? उन्होंने लिखी थी विष्णु शास्त्री चिपलूनकर एंड सताप्तरे रिटन बाय लोकितावाड़ी इलियास गोपाल हरि देशमुख इन द वीकली. तो ये कुछ बुक्स थे जो चिपलूनकर और क्या ये सताप्तरे ये सारी इन लोगों ने लिखी थी. ठीक है, प्रभाकर कमेंट्स ऑन वेरियस सोशल एंड कल्चरल इश्यूज. उसके बाद आप ये देखेंगे लेट अस नो, कुछ हमारे लिए जानकारी के लिए है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड न्यूज़पेपर. इन जनवरी 1920 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टार्टेड करेंटली मुक नायक, बट लेटर डॉक्टर अम्बेडकर हैड टू लीव द हायर Live for higher studies to England. ठीक है, तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था 1920 जनवरी में, उसका नाम था मूक नायक, लेकिन उसके बाद उनको अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा. तो ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने वो अपना सारा अपना पेपर का जो कामकाज था, जो भी था, उन्होंने अपने कलीग्स, अपने मतलब सहपाठी जो हमारे साथ काम करते हैं उनको बोलते, तो उनको दे दिया
In April 1927, Dr. Ambedkar started the newspaper बहिष्कृत भारत. ठीक है, तो मूक नायक जो उन्होंने 1920 में स्टार्ट किया था, वो अपने मतलब वो स्टडी के लिए जब इंग्लैंड चले गए तो अपने कलीग्स को दे दिया. फिर 1927 में उन्होंने दूसरा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, उसका नाम क्या था, बहिष्कृत भारत, जिसका आप नीचे देख सकते हो कि वो लोगो भी कैसा था, उसमें लिखा था बहिष्कृत भारत. थ्रू द मीडियम ऑफ बहिष्कृत भारत ही रोट द इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉमन पीपल ब्रिंगिंग यूनिटी अमंग देम. तो ये न्यूज़पेपर में नॉर्मली यूनिटी मतलब लोगों को एक साथ लाने की बातें लिखा करते थे. अपार्ट फ्रॉम दिस ही आल्सो स्टार्टेड टू मोर न्यूज़पेपर, नेमली जनता है प्रबुद्ध भारत. उसके बाद बहिष्कृत भारत के बाद भी उन्होंने दो न्यूज़पेपर और स्टार्ट किया जिसका नाम था जनता है प्रबुद्ध भारत. ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर अगर फिलिप्स में आया था, बहिष्कृत भारत, जनता एंड प्रबुद्ध भारत, किसने स्टार्ट किया था, तो ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड मूक नायक ऑल्सो. Maps and drawings. Maps and drawings is also what? Written sources of history. Map is also regarded as an important source of history. The changing the nature of a city or particular location can be traced through the maps. तो मैप्स का इम्पोर्टेंस क्या है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हो. तो मैप्स हमको हर जगह यूज आता है. अगर आप देखो, अभी तो हमारे पास डिजिटल चीज है कि मोबाइल में है, कहीं हमें जाना है तो हम उसको मैप पे सर्च कर लेते हैं, उसका लोकेशन पता कर लेते हैं, हम वहाँ पे पहुंच जाते हैं. तो मैप हमको किसी भी जगह पहुंचने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो पहले के जमाने में भी मैप्स थे, अभी भी थे, हमको ज्योग्राफी के लिए भी मैप्स लगते हैं. तो मैप्स और ड्राइंग्स की ये अपनी खासियत है कि कहीं भी लोकेशन को ट्रेस करना है तो हम मैप के जरिए इजिली उस पर्टिकुलर लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं. द सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. थ्रू द साइंटिफिक मेथड ऑफ सर्वे दे हैव क्रिएटेड मैप्स ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ब्रिटिश पीरियड में ही इंडिया का मैप, जैसे आप मैप अभी हम इंडिया का हमको मैप पता है, लेकिन आप पहले के इंडिया का मैप देखोगे तो थोड़ा वो अलग था, क्योंकि उसमें पाकिस्तान भी था. अभी तो पाकिस्तान हमको अलग दिखता है, बांग्लादेश अलग दिखता है. तो जो आप पहले का मैप देखोगे कैसा डिजाइन था, वो भी आई एम श्योर कहीं आपको म्यूजियम में, किसी म्यूजियम में मिल जाएगा देखने के लिए कि पहले कैसा मैप होता था. तो ब्रिटिश पीरियड में ही हमारे इंडिया का मैप क्रिएट किया गया. वेरियस प्रोविंसेस ऑफ इंडिया सिटीज, मतलब जो उस टाइम की फेमस सिटीज थी, फेमस जगह थे, जो या जो जानी पहचानी थी, ऐसे जगहों को वहां पे क्या किया गया, दिखाया गया. Similarly, the plans designed by the architects prove important form of view of study, architecture of a building as well, phases of developed process. तो वो टाइम पे उनको आर्किटेक्चर जो थे उनके लिए भी यूजफुल था कि कैसी चीजें बनानी चाहिए, वो मैप के जरिए वो सब कुछ कर सकते थे. नेक्स्ट स्क्रीन. ठीक है, तो आपको मटेरियल सोर्स हो गया और रिटन सोर्स हो गया. अभी उसके बाद है हमारा ओरल सोर्स. रिटन सोर्स का थोड़ा बाकी है, मैं पढ़ा देती हूँ. ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, मैप पर्टिकुलर एरिया का कैसा डिजाइन है, कैसा क्या करना है, कैसी चीजें हैं, कैसा एरिया है, ज्यादा घना है, मतलब ज्यादा लोगों का एरिया है या जमीन ज्यादा है, ये सारा कुछ हमें मैप के जरिए पता चल जाता है. द डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हैज ओरिजिनल प्लान ऑफ द बॉम्बे पोर्ट. इन्फॉर्मेशन About development of Bombay city can be understood through the plan drafted by architecture and engineer. तो मुंबई का भी जो यहाँ पे था port trust, मुंबई का भी जो उनका plan था बनाने का, तो वो भी easily वो लोग को information वहां से मिल जाता था, या easily वो समझ पाते थे कि हाँ कि यहाँ पे अपना मुंबई है, मुंबई का ऐसा है. तो ये सारी कुछ चीजें उनको map के जरिए architectures को और engineers को buildings बनाने के लिए मतलब easy हो जाती थी. उसके बाद आता है ओरल सोर्स. ठीक है, दैट इज ओरल सोर्स. जैसे अभी हम अपने दादा से, उनके दादा के दादा से, नाना पर नाना ऐसे जो होते हैं, उनसे बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, वो बहुत सारी हिस्ट्री की बातें बताते हैं. आई एम श्योर आप लोग भी होंगे तो आपके दादी दादा दादी उनके दादा दादी होंगे, तो उनसे आप सुने होंगे कि हाँ शिवाजी ऐसे थे. हम जैसे बदलापुर का ले लो, बदलापुर के बारे में मैंने बहुत लोगों से सुना कि लोग बोलते हैं कि शिवाजी अपने घोड़े बदलापुर में चेंज करते थे, इसके लिए यहाँ का नाम बदलापुर पड़ा. तो ये हमने सुना हुआ है, दैट इज ओरल हिस्ट्री. ये हमने कहीं पढ़ा देखा तो नहीं, लेकिन ये हमने लोगों से सुना, तो दैट इज ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. की हिस्ट्री के बारे में हमने सुना हुआ, सुनी हुई चीजें होती, दैट इज ओरल. तो ओरल में क्या क्या आ गया, जैसे आप देखो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स आ गया, फोक सॉन्ग्स, कोबरा, फोक टेल, स्टोरीज, राइम, जो टाइम के मतलब जो भी होते थे कि गाने
गाने से हमें पता चलता है कि ये पुराने मतलब वो टाइम के गाने थे, उस टाइम की स्टोरीज, नरेशन, लोगों ने क्या क्या इंटरव्यूज में बोला है, जैसे किसी हिस्ट्री जिन्होंने हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, ऐसे पर्टिकुलर इंसान या हिस्ट्री में जो थे उनका आप ओरली आपको इंटरव्यू लोगे, तो वो जो भी वो बातें बताएंगे उस टाइम के बारे में, तो दैट इज ओरल सोर्स. द फॉलोइंग सोर्सेस आर इंक्लूडेड इन द ओरल सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. तो ओरल सोर्सेस के सारे नाम है, ठीक है. उसके पास है इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वेरियस इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स वर कंपोज प्रेजेंट. दीज सॉन्ग्स आर अवेलेबल इन रिटन फॉर्म पब्लिश्ड इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स मेमोरीज बाय द फ्रीडम फाइटर. उस टाइम के बहुत सारे ऐसे गाने थे जो लोगों से इंस्पायर्ड होके बने थे. बहुत सारे गाने आज भी मतलब रिटन सोर्स में भी आ गए कि लिख के उसको ये किया गया, बहुत सारे गानों को अनपब्लिश किया गया. जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, बंकिम चंद, जैसे वंदे मातरम जो आप लोग गाते रहोगे स्कूल में होता है, हमारे राष्ट्रगीत हमारा होता है, तो ये अभी का लिखा हुआ नहीं है, ये पहले का ही लिखा हुआ है, ठीक है. तो वो आज भी हम लोग उस गाने को ऐसे उस राष्ट्रगीत को गाते हैं, तो वो हिस्ट्री में लिखा जा चुका है, ठीक है. थ्रू दीज इंस्पिरेशनल सॉन्ग वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस, ऑल्सो द स्पिरिट बिहाइंड द फ्रीडम स्ट्रगल कुड बी अंडरस्टूड. तो कुछ जो गाने उस टाइम बने थे उस गाने के जरिए अगर वो गाने आप सुनो या पढ़ोगे तो आपको पता चलता है कि पहले के टाइम का हिस्ट्री या लोगों की हालत कैसी थी, या लोग जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी हालत कैसी थी, वो क्या कैसा पेन फील करते थे, उनके साथ कैसे कैसे ब्रिटिशर्स बिहेव करते थे, ये सारा कुछ आप अगर वो गाना सुनोगे या उस टाइम के लिखे हुए गीत सुनोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है. नाउ सेकेंड इज पोवड़ा. पोवड़ा इज द सोर्स फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स. पोवड़ा मतलब आप समझ लो कि त्योहार टाइप. तो पहले के त्योहार कैसे होते थे, क्या क्या त्योहार, क्या क्या लोग सेलिब्रेट करते थे, ठीक है. तो ऐसा सब कुछ हमको पता चलता है. देर आर वेरियस पोवड़ाज कम्पोज्ड ऑन सॉरी नॉट ये पोवड़ाज मतलब फेस्टिवल नहीं हुआ बट इज रिलेटेड जैसा ही होता है कम्पोज स्ट्रगल ऑफ 1857. जैसे पोवड़ाज अगर आप सुनोगे या पढ़ोगे उसमें आपको 1857 में जो लड़ाई हुई थी स्ट्रगल, उस स्ट्रगल के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है. वेलियर revolutionaries during the British rule etc. The povdas were used to create motivation and spirit among the people. तो ये ऐसा था कि वो बोलने से वो कहने से लोगों के अंदर एक बोलते ना एकता यूनिटी और वो मोटिवेट होते थे कि हमें ये काम करना है, हमें आजादी पानी है. तो ये हिस्ट्री में सारी चीजें लिखी हुई थी. अपार्ट फ्रॉम फ्रीडम मूवमेंट द povdas वर कम्पोज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ सत्यशोधक सम्राज फॉर अवेकिंग अमंग द ऑप्रेस्ड क्लासेस एंड संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट फॉर सच अदर इवेंट्स. और भी दो पोवड़ाज थे जैसे सत्यशोधक समाज, ठीक है. तो ये हो गया संयुक्त महाराष्ट्र. ये दो चीजें थी जो पहले के लोगों के लिए थी कि उनको ये सब पढ़ने के बाद, उनको ये सब सुनने के बाद उनके अंदर से बात ये होती थी कि नहीं हमें आजादी चाहिए, उनके आत्माओं को जगाने के लिए. सारी रिटर्न में कुछ चीजें हैं लेकिन कुछ नहीं है, तो लोग बोलते हैं कैसा हुआ था, ऐसा हुआ था, इसीलिए इसको ओरल हिस्ट्री में रखा गया है. वीडियो ऑडियो एंड वीडियो और विजुअल सोर्सेस, ये तो बहुत ईजी है. जैसे आप जानते ही हो वीडियो यानी जो हमें दिखाई देता है, ऑडियो जो सुनाई देता है, और ऑडियो वीडियो मतलब दिखाई भी देता है सुनाई भी देता है, ठीक है. तो ऐसे भी सोर्सेस ये मॉडर्न हिस्ट्री के. जैसे ऑडियो वीडियो विजुअल का फॉर बेस्ट एग्जांपल है कि आप मूवीज देखते हो, जैसे आपने लगान देखी है, मंगल पांडे देखी है, महात्मा गांधी की देखी है, तो ये हम देखते भी हैं सुनते भी हैं, तो ये इफेक्ट हमको पता चलता है वो टाइम का. ओज में आता है कि वो टाइम के लोग कैसे थे, कैसे लड़ते थे. भगत सिंह की मूवी ले लो, तो ये ऑडियो विजुअल ऐसा है कि उसे हमें देख के पता चलता है कि भगत सिंह कैसे थे, कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी, कैसे उन्होंने क्या क्या किया, ब्रिटिशर्स को मारा. तो ये ऑडियो विजुअल हो गया, ठीक है. वीडियो यानी सिर्फ वीडियो के जरिए जो हमें पता चलता है. ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी रिकॉर्डिंग फिल्म्स एसेट्रा. ऑब्वियसली दीज फोटोग्राफ्स रिकॉर्ड्स और फिल्म्स कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री. ऐसा मैंने आपको बोला कि हिस्ट्री ये सारी चीजों को हिस्ट्री बताने के लिए इन सारी चीजों को यूज किया गया है. वॉट फोटोग्राफ्स हो गई,
उनके पर्टिकुलर पर्सनालिटी के बारे में पिक्चर्स बनाई गई, ठीक है। तो बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में हमें पिक्चर्स देख के पता चलता है, ठीक है। शिवाजी की जैसे अभी रिसेंटली रिलीज हुई थी तानाजी, तानाजी सबने देखा, तो हमने फोर्थ स्टैंडर्ड में तानाजी के बारे में पढ़ा होता है, ठीक है। तो इतना हमें नहीं इफेक्ट, खाली हमने मतलब पढ़ा है, सब क्लास में चैप्टर था, टीचर ने पढ़ाया, तो हमको उतना ही पता होता है। लेकिन जब वो मूवी आई, तो जब आपने जाके थिएटर में देखा वो मूवी, तो वो एक अलग इफेक्ट डालती है। क्यों? क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई, तो ऐसा भी सब टेक्नोलॉजी की वजह से सारी चीजें अब की जाती हैं, ताकि वो अलग और भी लोगों को हिस्ट्री समझ में आए और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स आर विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे फोटोग्राफ किसमें आ गया आपका, विजुअल हिस्ट्री। विद द डिस्कवरी ऑफ आर्ट ऑफ फोटोग्राफ और वेरियस पर्सन इवेंट्स ऑब्जेक्ट्स स्ट्रक्चर, ठीक है, वर क्लियर। तो जैसे आप हिस्ट्री देख लो, अभी हमने पढ़ा ना उनके अम्बेडकर जी के न्यूज़पेपर के बारे में, बहिष्कृत भारत, तो उसका हमने नीचे लोगो देखा, तो क्या हो गया, फोटोग्राफ हो गया, कि वो टाइम के लिए भी फोटोग्राफ थी, जो आज भी आपके हिस्ट्री में के बुक में उसको दिखाया गया, ताकि हमें समझ में आए कि अच्छा पहले कैसे दिखते थे। हिस्ट्री की बुक्स में, नोटबुक में आप देखोगे, सॉरी टेक्स्ट बुक में, तो आपको बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई देंगी, तो वो फोटोग्राफ्स हैं जो दिखाई जाती है कि हमें समझ में आए कि ये ऐसा दिखने में था। एक्चुअल तो हमारे पास आएगा नहीं वो, लेकिन हम फोटो के जरिए समझ सकते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज पास्ट में हिस्ट्री में ऐसी थी। इन केस ऑफ मेडिवल्स पीरियड देर आर पेंटिंग्स अवेलेबल, ठीक है। पेंटिंग्स से फिजिकल फीचर ऑफ अ पर्सन, विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट्स, बट ऑथेंटिसिटी ऑफ द पेंटिंग्स इज डाउटफुल। कंपेरेटिवली फोटोग्राफ्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर रिलेबल। द फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल फीचर, ड्रेसिंग स्टाइल, ठीक है। तो जो पहले की मूर्तियां वूर्तियां थी, उससे कहीं ज्यादा अच्छा किसको माना गया, कि वो मूर्तियों को इतना मतलब समझा नहीं सकते। अगर आप फोटो में देखोगे तो पर्टिकुलर चीज ज्यादा समझ में आएगी, कि पहले लोग कपड़े कैसा पहनते थे, कैसा रहते थे, अपने के साथ हथियार कैसा रखते थे, ये सारी चीजें हमको फोटोग्राफ्स के जरिए पता चलती है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग्स, द डिस्कवरी ऑफ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोग्राफी। रिकॉर्डिंग इज अ फॉर्म ऑफ ऑडियो, ठीक है। रिकॉर्डिंग जो भी हम जैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो इस फॉर्म में आ जाता है जिसमें कोई चीज दिखाई नहीं देती बट आवाज सुनाई देती है, दैट इज रिकॉर्डिंग। और वो क्या हो गया, ऑडियो इफेक्ट, ऑडियो सोर्स ऑफ हिस्ट्री हो गया। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड द स्पीचेस ऑफ लीडर्स, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, सॉन्ग्स एक्सेट्रा वर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग। तो पहले के जो हमारे लोग हैं फ्रीडम फाइटर्स है, तो उन्होंने कैसी बातें बोली थी, कैसा देश को नारा दिया था, कैसा संदेश दिया था, ये बहुत सारी चीजें जो है वो किसमें है, ऑडियो में रिकॉर्ड की गई है, जिससे हमें पता चलता है कि इन्होंने ऐसी बातें बोली थी, उनकी आवाज ऐसी थी, ये सारी पर्सनैलिटीज के बारे में हमें पता चलती है। दे कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो पहले के लोगों की जो भी रिकॉर्डिंग थी, बातचीत की, या जो भी उन्होंने स्पीचेस दिए थे, जो भी लोगों के बारे में कहा था, तो ये सारी रिकॉर्डिंग्स को सोर्स ऑफ हिस्ट्री माना गया है। और कैसा कौन से में आता है, ये आता है ओरल टाइप ऑफ सोर्स ऑफ हिस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल नेशनल एंथम जनगण मन संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर। देखो जैसे मैंने आपको बोला कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन जो इन्होंने गाया भी था और लिखा भी था, तो ये क्या हो गया, रिकॉर्डिंग इज आल्सो वन ऑफ द ओरल सोर्स ऑफ टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। सर हाँ बस एक पेज मतलब थोड़ा सा बाकी है, कर सकते हैं, बंद हो जाएगा, वापस से कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ क्या फिल्म्स, ठीक है। तो फिल्म्स के बारे में आप लोग पढ़ लेना। फिल्म्स का जैसे बच्चों मैंने बताया आपको कि हम लोग ने बहुत सारी मूवीज देखी है, जैसे तानाजी ले लो, केसरी ले लो, मंगल पांडे, भगत सिंह, तो ये सारी चीजें किस पे बेस्ड है, हमारी हिस्ट्री पे। और फिल्म्स बनाना इज वन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की जो मॉडर्न तरीका, अभी फिल्म फोटोग्राफी सब मॉडर्न आ गया।